तो देखिए, पायल्स या बवासीर आज के समय में एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। इसका मुख्य कारण है हमारी लगातार बदलती जीवन शैली। कई बार हम इसे अनदेखा कर देते हैं और इसके लिए कोई विशेष उपचार भी नहीं करते। पर आज की वीडियो में हम आपको एक होम्योपैथिक फॉर्मूला बताने वाले हैं जो कि किसी भी तरह के पायल्स को कुछ ही दिनों में ख़त्म कर देता है। इस होम्योपैथिक फॉर्मूला को लाखों लोगों पर यूज़ किया गया है, उन सभी को इससे बहुत फ़ायदा हुआ है, इसलिए आपको भी इसे एक बार ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। तो देख लेते हैं पायल्स का होम्योपैथिक फॉर्मूला। तो देखिए, यहाँ पे तीन तरह की मेडिसिन है। पहली ऐसी मेडिसिन जिन्हें साधारण पायल्स होता है या सामान्य बवासीर होता है, तो उन्हें कौन सी मेडिसिन लेनी है, यदि आपके दर्द होता है तो उसके लिए कौन सी मेडिसिन है, और जिन्हें ब्लीडिंग पायल्स होता है यानी कि खूनी बवासीर होता है, उन्हें कौन सी मेडिसिन लेनी है। तो पहले हम बात करते हैं ऐसे बवासीर की जो कि सामान्य होता है, तो इसके लिए आपको दो मेडिसिन लेनी होगी। पहली है एलोए क्यू, इसकी आपको 4 बूंद दिन में 4 बार लेनी है। इसके बाद है हेमामेलिस क्यू, इसकी आपको 10 बूंद दिन में 3 बार लेनी है। आपको इन्हें लेना कैसे है, इसके लिए आपको 1/4 कप पानी लेना है और उसमें मिला के ये दवाई आपको लेनी होती है, और इसे आपको खाली पेट ही लेना होता है। देन इसके बाद है पेन के लिए, यदि आपके दर्द होता है तो उस समय आप सीडम एक्रे क्यू मेडिसिन ले सकते हैं। इसकी आपको 5 बूंद लेनी है दर्द के समय, इससे आपको उससे बहुत जल्द आराम मिलेगा। एंड लास्ट मेडिसिन है फाइकस रिलीजियोसा क्यू, तो ये मेडिसिन उन पेशेंट को लेनी है जिन्हें ब्लीडिंग पायल्स होती है यानी कि जिन्हें खूनी बवासीर होती है, तो उन्हें ऊपर दी हुई 2 मेडिसिन के साथ में इसे भी लेना है। इसे आपको 5 बूंद दिन में 4 बार लेनी होती है, और इन दवाइयों को लेने से आपको बहुत जल्द आराम मिल जाता है। तो हम आपको इनकी पिक्चर भी दिखा देते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमने इन चारों की पिक्चर दी हुई है। तो पहली मेडिसिन है एलोए सोकोट्रिना क्यू, हेमामेलिस क्यू, सीडम एक्रे क्यू एंड फाइकस रिलीजियोसा क्यू। तो आपको ये मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाएंगी और आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं, इससे आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और दवाई लेते समय आपको कुछ खास बातों का ध्यान रखना होगा, जैसे कि आपको तली भुनी चीज़ों का सेवन बंद करना होगा व अधिक से अधिक फलों और सब्जियों का सेवन करना होगा। आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपका पायल्स हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा, तो इसलिए आपको इसे एक बार ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। और यदि आपको कोई डाउट रहता है या क्वेश्चन रहता है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं।